आत्मा मालिक, सकाळ सोशल फाउंडेशन आणि आकाश कोचिंग इन्स्टिट्यूट यांच्या वतीनं NTS सेकंड फेज याची निशुल्क कोचिंग, निवास आणि भोजन या सुविधांसह तयारी वर्ग. बॅच कालावधी बुधवार 10 एप्रिल 2019 ते बुधवार 5 जून 2019. नगरमध्ये 30 मार्चला महाराष्ट्र तांत्रिक शिक्षण मंडळाद्वारे करिअर मार्गदर्शन कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून दिल्लीतील अवंती फाउंडेशनचे शैक्षणिक प्रमुख अश्विन कृष्णन यांची उपस्थिती होती. यावेळी त्यांनी आपल्या व्याख्यानाद्वारे उपस्थित 400 पालक आणि विद्यार्थ्यांना करिअर कोणतं आणि कसं निवडायचं, योग्य विद्यार्थ्यांसाठी योग्य करिअर कोणतं याविषयी सविस्तर माहिती दिली. IIT, मेडिकल, MBBS, डॉक्टर, इंजिनियर या क्षेत्रामध्ये प्रवेश कसा घ्यायचा, परीक्षेचा अभ्यास कसा करायचा, आपल्या ध्येयपूर्तीसाठी काय आवश्यक आहे या सर्व बाबींवर यावेळी कृष्णन यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं. बट इस लाइन की एक बहुत बड़ी अहमियत है जो बहुत लोग समझते नहीं कि ऐसा क्यों होता है. Why is it that हिंदुस्तान में साइंस और मैथ्स इतना ज्यादा फेमस है, इतना ज्यादा उसके बारे में ऑब्सेशन है, ऐसा क्यों नहीं है कि कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में कोई ऐसा क्यों नहीं कहता है, राइट? इसकी एक बहुत क्लियर वजह है और वो वजह है साइंस और मैथ्स आपको क्या स्किल सिखाते हैं जो फ्यूचर में काम आते हैं, राइट? एट द एंड ऑफ द डे किसी भी पढ़ाई का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ एनी पढ़ाई करने का लक्ष्य क्या है? आप एट द एंड ऑफ द डे या तो खुद से कुछ करना चाहते हैं या कहीं नौकरी करना चाहते हैं. ऐसा कोई है जो सारी पढ़ाई करके बस घर पे बैठना चाहता है? ऐसा कोई है? नहीं है, ऐसा कोई नहीं. अगर कोई है तो मैं बहुत शॉक्ड रहूंगा, राइट? आई होप रियली ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे. एट द एंड ऑफ द डे इन जनरल आप या तो खुद से कुछ करना चाहते हैं या किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं. एट द एंड ऑफ द डे किसी भी पढ़ाई का यही मकसद होता है. अब अगर आप देखें ये जो प्रॉब्लम है इसको आप यहां से 10th स्टैंडर्ड से आगे का सोचे तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है. तो आगे से हम सोचते हैं कि क्या जरूरत है, वहां से हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर फ्यूचर में ये जरूरत है तो आज हमें क्या करना चाहिए, करेक्ट? आज अगर आप जॉब मार्केट देखें, किसी भी जॉब मार्केट में सबसे वैल्यूएबल स्किल क्या है? सबसे वैल्यूएबल स्किल का मतलब है कि ऐसा कौन सा स्किल है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है. डिमांड समझते हैं आप, राइट? आज के मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है प्रॉब्लम सॉल्विंग की. प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये नहीं है जो आप मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो नोटबुक में, उसका मतलब वो नहीं है. प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी, किसी भी इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस हम जब स्कूलों में काम करते हैं, स्कूल में एक दिक्कत ये आती है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे. अगर हम मान लो एक सोप कंपनी में काम करते हैं, सोप कंपनी में ये दिक्कत आती है कि लोग सोप नहीं खरीद रहे. ये सब प्रॉब्लम्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट स्किल क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग होता है. आप देखेंगे आजकल इन जनरल बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर आप दिसंबर के वक्त पे न्यूज़पेपर खोलो, बहुत सारे बड़ी बड़ी आर्टिकल्स आते हैं कि IIT के इस स्टूडेंट को 1 करोड़ की जॉब ऑफर मिली गूगल में. ये किसी ने पढ़ा है आप लोगों ने? ये ऐसे आर्टिकल दिखते हैं दिसंबर के वक्त में, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल दिखते हैं. ये क्यों, इतने बड़े बड़े जॉब ऑफर्स 22-23 साल के बच्चों को क्यों मिलते हैं? अगर आप मेरे पापा जब वो देखते हैं उनको तो पूरे 40 साल के करियर में वहां तक पहुंच नहीं पाए वो, राइट? और एक 22 साल का लड़का 1 करोड़ कमा रहा है गूगल में जाके, माइक्रोसॉफ्ट में जाके. ऐसा क्या उनको सीखने मिलता है वहां जिसकी वजह से कि कंपनी उनके पीछे लाइन लगाए हुए पड़े हैं? द रीजन इज आप जब साइंस या मैथ्स की एजुकेशन करते हैं वो आपको वहां पे साइंस और मैथ्स, जैसे मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर पढ़ते हैं ज्योमेट्री अलजेब्रा, वो अलजेब्रा और ज्योमेट्री के चैप्टर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वो करके आप जो स्किल सीखते हो कि कुछ प्रॉब्लम मिला उसके बारे में सोचना कैसे. 11वी आणि 12वी मध्ये असताना विद्यार्थ्यांना चांगले मार्गदर्शन मिळणं अत्यंत गरजेचं असतं. अन्यथा विद्यार्थी वाया जाण्याची शक्यता फार जास्त असते असं देखील यावेळी कृष्णन यांनी सांगितलं. याप्रसंगी अवंतीमार्फत स्कॉलरशिप मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन करण्यात आलं. भानू प्रताप सिंग आणि अश्विन कृष्णन यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. संस्थेचे प्राचार्य अंकुश दराडे यांनी संस्थेबद्दल सविस्तर माहिती दिली. बाहेरगावी मुलं पाठवताना आता लातूरला खूप पालकांचा अनुभव आहे. इथं पण चोपे साहेब बसलेले आहेत, त्यांच्या मुलीने पण लातूरला 11वी 12वी 2 वर्ष क्लास केला आणि त्यानंतर परत नगरला येऊन रिपीट केला, तरी स्कोर नाही आला. शेवटी डोनेशन भरून डेंटलला प्रवेशित झालं. अशा खूप उदाहरणं आहे. आपण ज्या उद्देशाने बाहेर पाठवतोय मुलांना तो उद्देश सफल होत नाही. त्याचं कारण असं आहे की किती स्कॉलर मुलगा असला
तर बाहेरगावी गेल्यावर त्याला सेटल व्हायला 6 महिने 4-5 महिने तरी मिनिमम जातात. आणि जेई नीटचा अभ्यास असा आहे की तुम्हाला 2 लेक्चर जरी त्याचे मिस झाले ना, पुढची त्याला लिंक लागू शकत नाही, एवढा प्रॉब्लेम आहे. 6 महिने 4 महिने जर सेटलमेंटला गेले त्याला, तिथलं पाणी, हवा, जेवण, मित्र कंपनी, नाही का, ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या वयामध्ये त्याला सेटल करायला 4 महिने जातात. तेवढा वेळ गेला की त्याचा सक्सेस रेशो कमी होऊन जातो. म्हणून आहे तिथंच तुम्हाला आम्ही अवंती शी टायप एवढ्यासाठीच केला आहे की मुलांना बाहेरगावी जायची गरज नाही स्कोर मिळवण्यासाठी. आज इथं तुम्हाला कोट्यापेक्षा जास्त चांगल्या प्रकारचं टॅलेंट मार्गदर्शन जर इथं मिळणार असेल तर तुम्ही कोट्याला का जायचं? तुमचा खर्च का वाढवता? मी बघितलेलं आहे बरेचसे शिक्षक पालक जे आहेत ना, शिक्षक पालकांना लातूरचं इतकं अट्रॅक्शन आहे ना, त्यांना कितीही समजून सांगितलं पण त्यांच्याकडे पैसे टाकण्याची कुवत खूप असते. शिक्षक लोकांना नाही नाही मुलाला लातूरलाच पाठवायचं, कारण मागच्या वर्षी त्याच्या मित्राची मुलगा किंवा मुलगी लातूरला असते, यावर्षी तो म्हणतो नाही माझ्या मुलाला तिकडेच टाकायचं. पण रिझल्ट तुम्ही जर 4 वर्षातला रिझल्ट नगर जिल्ह्याचा विचारला लातूरला शिकणाऱ्या मुलांचा, एकही मुलगा स्कोअर मध्ये नाही आलेला. मगाशी तुम्हाला सांगितलं की स्कोअर मध्ये नाही, फक्त तो जातोय म्हणून आपण जायचं असं टार्गेट ठेवून गेला तर तुमचा कुठलाही उद्देश सफल नाही. सरांनी सांगितलं की तुम्ही एक टार्गेट ठरवा आणि त्या दृष्टीने काम करा. तर या कार्यक्रमाचं संयोजन धनश्री पेहरे यांनी केलं, तर सर्व स्टाफनं कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न केले. दीपक कासवासह शुभम पाचरणे, सी न्यूज मराठी, अहमदनगर.